Thank you everyone for your valuable support to me and our channel. Hello everyone, this is Abhishek. अभी आप देख रहे हो कि एक स्केच किया मैंने और वाटर कलर करने वाला हूँ आज. जैसे आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप वाटर कलर भी आप बताएं, तो कुछ मैं बेसिक्स तो पहले मैंने कुछ बताए थे आपको, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फ्लावर से आपको रिलेट करके बता रहा हूँ. इसलिए कि अभी हम लोग जो नया सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें 7 एपिसोड्स हो चुके हैं, उसमें मैंने आपको बताया था लाइटिंग के बारे में, बताया था आपको कि लाइटिंग कैसे दे सकते हैं किसी भी एक स्केच में. उसके अलावा शेडिंग के बारे में कुछ बताया था आपको. तो वही सेम चीज़ जो है यहाँ वाटर कलर में ही करना है. जैसे अभी आप देख रहे हो कि एजेस जो है जहाँ पे एक सेपरेट करता है एक लेयर्स को, जैसे दूसरे बैकग्राउंड का जो लेयर है उससे, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर में आपको कई सारे लेयर देख रहे होंगे. अब ये एक मैंने बेस कलर, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हर जगह टेक्स्चर ज़रूर रहता है, तो ये फ्लावर में भी टेक्स्चर ज़रूर है. इसके बाद अब लाइट जैसे कि राइट साइड से हिट कर रही है, तो हमें शेडो एरिया जो है वो हम लेफ्ट साइड दे रहे हैं. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डार्कनेस की वैल्यू जो है वो लेफ़्ट साइड ज़्यादा है. और इसमें क्या होता है बेनिफिट और क्या होता है कि ये ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है. इसके लिए कोई ब्लेंडिंग टूल की ज़रूरत नहीं होती है, और सिंपली आपको वाटर बेस्ड है तो कंप्लीट उसको वाटर में आपको कलर लेके उसको फैलाना है. लेकिन हाँ, उसका बैलेंस आपका होना चाहिए. उसके लिए पेंसिल का जो होल्ड है वो चीज़ें आप अभी से प्रैक्टिस अच्छा करो, तो ब्रश में आपका जो कंट्रोल होगा वो सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी. और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि कॉन्ट्रास्ट, जैसे मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि ऊपर के जो लेयर है ना वो अगर लाइट के कॉन्टैक्ट में है तो वो ब्राइट रहेंगे, और जैसे ही वो नीचे की चीज़ें हैं ना वो डार्क रहेंगी. इससे क्या होता है, कोई भी इमेज में ना एक कॉन्ट्रास्ट नज़र आता है, एक रियलिस्टिक जो चीज़ें होती है वो नज़र आता है. तो यहाँ पे सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें अभी सीरीज़ चल रही है उस पर आप फोकस करिए और पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है उस पर रखिए. तो हर एक लेयर जो है उसकी अपनी आइडेंटिटी होगी. हम हर एक लेयर को एक जैसा ब्लेंड नहीं कर सकते, एक जैसा शेड नहीं दे सकते. तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि शेड्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है. इसका जो बेस कलर है वो है लाइट पर्पल, और इसके शेड में जो जा रहा है एक ऑरेंजिश शेड में जा रहा है, तो एक ड्यूल कलर का शेड है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे दिया. और ये जो वाटर कलर है वो अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं, जैसे कि क्लास 1 से सीखना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं मेरे ऑनलाइन क्लासेस में. ये जो मैंने प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा जो वीडियो है वो हमारे ऑनलाइन क्लासेस से है. तो ऐसे और बहुत सारे क्लासेस हैं वाटर कलर के, एक्रेलिक कलर के और पोस्टर कलर के. तो आप मुझे ज्वाइन करके ये सब का स्लो वीडियोस जो हैं विद डिस्क्रिप्शन विद नरेशन, तो इजी वे में आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं. तो अभी तक के लिए इतना ही है. होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर आप इंटरेस्टेड तो प्लीज़ ज्वाइन करिए मुझे. तब तक के लिए बाय.